Hello guys, welcome to my channel. My name is Abhishek and in today's video we'll learn what is projection in computer graphics. Okay, so projection word से हमें समझ के आ रहा है basically project मतलब किसी चीज को हमें represent कर रहे हैं, ठीक है। तो वही बात है कि we represent a 3D object on a 2-dimensional plane, ठीक है। तो हमारे पास सपोज एक ऑब्जेक्ट है, हम उसको सिंपली एक 2D प्लेन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे ऑब्जेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है और जेड कोऑर्डिनेट है, तो उसको हम 3D से 2D में सिंपली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्शन होता है बेसिकली। अब हम जब इसको करते हैं तो ये हमारा प्रोजेक्टर्स क्या होता है, प्रोजेक्शन प्लेन क्या होता है, वो हम देख लेते हैं एक बारी। व्हेन ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस विद द प्लेन इज नोन एज प्रोजेक्शन प्लेन, ठीक है। अगर सपोज मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एन एग्जाम्पल मेरा ये बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स को अगर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मतलब ये हमारा 3D में इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों है, ठीक है, लेंथ विड्थ और हाइट है। अगर मैं इसको सपोज मेरा ये एक प्लेन है, ये मेरी नोटबुक जो है, अब मैं इसको अगर प्रोजेक्ट करता हूँ, सपोज हम टॉप से देख रहे हैं इस वक्त, तो टॉप से अगर हम देख रहे हैं तो सिंपली हमारे को एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो प्लेन है ये हमारा प्रोजेक्शन प्लेन हो गया। और जो लाइन्स यहाँ से निकलेंगी, सपोज ये मेरा हवा में है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेरा कोई डिस्टेंस है। तो हम हमारी जो लाइन्स यहाँ से इससे निकलेंगी, प्रोजेक्ट होंगी आउटवर्ड्स, तो ये हमारे प्रोजेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको अगर डायग्राम के हिसाब से समझाऊं तो जैसे कि ये है, सपोज मेरा कोई ऑब्जेक्ट है 3D में और मेरा एक प्लेन है प्रोजेक्शन प्लेन। अब मैं इस पे इसको रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे जो लाइंस निकल रही हैं, इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, तो ये हमारी प्रोजेक्टर्स कहलाती हैं। ये यहाँ से निकल रही है, ये पैरेलल है, ठीक है, प्रोजेक्टर्स है यहाँ पे। तो जो लाइन यहाँ से निकल रही है ऑब्जेक्ट से, दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रोजेक्टर्स। और जिस प्लेन पे हम इसको रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रोजेक्शन प्लेन, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बॉक्स वाला एग्जाम्पल समझाया, उस केस में कॉपी जो जिसपे हमने लिखा हुआ ये नोटबुक इज आर प्रोजेक्शन प्लेन और जो से लाइन्स निकलेंगी दैट इज आर प्रोजेक्टर्स, ओके। अब बात ये है कि सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, इट इज अ पॉइंट जहां से हमारी रेज निकलती हैं और ऑब्जेक्ट के हर एक साइड पे या कॉर्नर जिसको हम बोल सकते हैं वहां पे जाती है, ठीक है। तो इट इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइन्स आर ड्रॉन ऑन ईच पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब डायग्रामेटिकली अगर देखते हैं तो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन को एक सपोज ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से हमारी प्रोजेक्टर्स निकल रहे हैं, रेज निकल रही है, वी कैन से प्रोजेक्टर्स, ठीक है। तो प्रोजेक्टर्स जो हमारे निकल रहे हैं वो हर एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 दिखा रहे हैं। दिस विल ऑल्सो गो एंड मीट दिस साइड एंड दिस साइड, ओके, ऑल दीज पॉइंट्स इन मिडल। तो ये हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, इसको हम बोलते हैं। ये हमारा प्लेन हो गया, नॉर्मल प्रोजेक्शन प्लेन जिसमें हम, ठीक है, और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। अब हम सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन को पर्सपेक्टिव रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, सीओपी या फिर पीआरपी बोल सकते हैं, ठीक है। सीओपी मतलब क्या हो गया, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, और पीआरपी मतलब क्या हो गया, पर्सपेक्टिव रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने के लिए। ये हमारा हो गया सिंपल सा। नाउ गाइस लेट अस सी प्रोजेक्शन के क्या क्या टाइप्स वगैरह होते हैं। प्रोजेक्शन बेसिकली मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक तो पैरेलल प्रोजेक्शन होता है और एक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। पर्सपेक्टिव में हमारा मेनली 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। और पैरेलल में हमारी मेजर 2 कैटेगरीज होती है, ऑब्लिक और ऑर्थोग्राफिक। ऑब्लिक के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट, ठीक है, और ऑर्थोग्राफिक के भी, सपोज जैसे यहाँ पे है टॉप व्यू, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू, इसको हम फ्रंट एलिवेशन या फिर बोल सकते हैं, और साइड व्यू को हम साइड एलिवेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ये मेन जो होते हैं हमारे ये होते हैं, बाकी हमारे ओब्लिक में भी कुछ केसेस होते हैं। इफ यू वांट यू कैन रेफर द बुक। मेजर जो केसेस हैं वो ये है, हम यहाँ पे डिस्कस ये करेंगे, ठीक है। सो हमारा ये हो गया। तो अभी मैंने आपको सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन बताया कि क्या होता है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इज लोकेटेड एट अ फाइनाइट पॉइंट इन 3D स्पेस then this is what we call as the perspective projection, okay, this is the result. So अगर हम डायग्राम में देखते हैं, ये हमारा डायग्राम बेसिकली मैंने आपको बताया कि पैरेलल और पर्सपेक्टिव 2 होते हैं, ठीक है। अब ये पैरेलल वाला केस है, सपोज मेरा ये क्यूब रखा हुआ है और मैं इस मेरे प्रोजेक्टर्स यहाँ से निकल रहे हैं, दीज आर ऑल पैरेलल, ठीक है, ये सारे प्रोजेक्टर्स मेरे पैरेलल हैं। पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू मतलब जो मेरे प्रोजेक्टर्स है ये पैरेलल है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्शन प्लेन से हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में ऐसे ही मैंने सिंपली दिखा दिया कि हाँ ये 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, इट इज नॉट ऑलवेज कंपलसरी, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टर्स हो गए, तो ये हमारा पैरेलल प्रोजेक्शन वाला केस हो गया। अब जब हमारे प्रोजेक्टर्स पैरेलल ही निकल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल लाइन जो होती है हमारी इन्फिनिटी पे मीट करती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पैरेलल प्रोजेक्टर्स हैं दे विल मीट एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा, तो हम उसको नहीं दिखा पाएंगे। सो गाइस नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, इसमें क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है ना ये फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। अब पैरेलल वाले केस में क्या था, इसकी सारी रेज जो होती है वो हमारी पैरेलल होती है और इसमें हमारा सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है इट इज ऑलवेज एट इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर इन्फिनिटी पे नहीं होता है मेरा सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन तो वो मेरा होता है कौन सा, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ओके। लेट मी राइट डाउन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, अब सिंपली हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, जहां पे हमारे सारे प्रोजेक्टर्स मीट कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट से हमारे प्रोजेक्टर्स निकल रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू ईच कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे जाके मिल रहे हैं, तो इसको हम पीआरपी बोलते हैं, पर्सपेक्टिव रेफरेंस पॉइंट। अब ये हमारा हो गया सिंपली पैरेलल प्रोजेक्शन, जिसमें हमारी रेस पैरेलल निकल रही है ऑब्जेक्ट से, और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जिसमें हमारा पैरेलल नहीं निकल रही है, दैट्स व्हाई दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट। पैरेलल होंगी तो इन्फिनिटी में मीट करेंगे। ठीक है, ये हमारा मेन हो गया। So guys, now we can see if center of projection is located at a finite point in three dimensional space, then perspective projection is the result। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया कि अगर COP जो है मेरा सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन फाइनाइट है, तो फिर वो मेरा क्या होगा, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होगा उसका रिजल्ट। और अगर सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो मेरा इन्फिनिटी पर लाई करता है, ऑल द लाइन्स आर पैरेलल एंड द रिजल्ट इज अ पैरेलल प्रोजेक्शन। ठीक है, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन हमारा इन्फिनिटी पर लाई करेगा और हमारे जो लाइन्स हैं सब पैरेलल होंगी एंड द रिजल्ट इज व्हाट इज कॉल्ड द पैरेलल प्रोजेक्शन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया पैरेलल प्रोजेक्शन, और ये हमारा हो गया सेकंड टाइप पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। सॉरी, ओके। नाउ गाइज, व्हेन वी टॉक अबाउट दी टाइप्स ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन, ठीक है, अब पैरेलल प्रोजेक्शन है तो क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट है उससे रेस तो पैरेलल आ रही है, ये तो फॉर श्योर है। ठीक है, अब उसके दो कैसे, ऑब्लिक और ऑर्थोग्राफिक। नाउ लेट्स सी, ऑर्थोग्राफिक में क्या होता है, 90 डिग्री विद दी व्यू प्लेन हमेशा हमारा एंगल बनता ही बनता है। ठीक है, मतलब अगर सपोज मेरा कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे या कहीं पर भी, और उससे जो मेरे प्रोजेक्टर्स निकल रहे हैं, रेज निकल रहे हैं, वो मेरे प्रोजेक्शन प्लेन से 90 डिग्री एंगल अगर बनाते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको इसमें बताया था कि ये इट इज नॉट ऑलवेज कंपल्सरी कि ये मेरा 90 डिग्री एंगल बनाए, ये जो मेरे प्रोजेक्टर्स यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से जो लाइन्स निकल रहे हैं इस प्लेन के, वो हमेशा 90 डिग्री, इट इज नॉट कंपल्सरी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ से रेज निकल रही है और इस प्रोजेक्शन प्लेन के से 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो मेरा ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, ये वाला ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन बन जाएगा मेरा ये वाला। इसमें क्या हो रहा है, सिंपली द प्रोजेक्टर्स विच आर कमिंग दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द व्यू प्लेन और व्हाट यू कैन कॉल इट एज प्रोजेक्शन प्लेन। और ओब्लिक में सिंपली क्या होता है, ओब्लिक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन ना, सो दैट्स वाई जो मेरी रेज आ रही है, मतलब जो मेरे प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं वो पैरेलल हैं। ठीक है, ये सारी लाइंस मेरी पैरेलल हैं, यहाँ से मेरा कोई कहीं पे ऑब्जेक्ट है, वहां से रेज आ रही हैं, और बट द केसेस ये 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहे हैं बस। ठीक है, ये कुछ भी एंगल हो सकता है, 50, 60 एंड एनीथिंग, एनी एंगल इट कैन बी। तो ये हमारा 90 डिग्री बनाएंगे तो ऑर्थोग्राफिक उसको बोलेंगे, और ऑब्लिक क्या होगा, इसमें 90 डिग्री एंगल हमारा नहीं बनेगा। ओके, अब ऑर्थोग्राफिक की जब हम बात करते हैं, जो जिसमें हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है, उसमें भी हमारे तीन टाइप्स हैं, यू कैन सी, एक टॉप व्यू, एक साइड व्यू और एक फ्रंट व्यू, उसको हम बोलते हैं। नाउ लेट्स सी है टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट एलिवेशन, ये सब हमारे क्या है। ठीक है, सो गाइस, नाउ अगर हम समझते हैं टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू वाला केस, सो ऑर्थोग्राफिक में क्या केस है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, लेट्स सपोज कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा क्यूब है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट हो गया। अब टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू क्या होगा, सिंपली अगर हम यूजर, इस वक्त अगर आप ऊपर से मेरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की, अगर हम ऊपर, सपोज ये मेरा यूजर है, पेन है, पेन का पॉइंट मेरा यूजर है, ये ऊपर से नीचे देख रहा है, ठीक है, तो टॉप व्यू हमारा हो गया सिर्फ ये वाला पोर्शन। ऊपर से अगर हम सिर्फ देखेंगे तो हमारे को सिर्फ एक स्क्वायर दिखाई देगा ऑन आर प्रोजेक्शन प्लेन, दिस इज नोन एज आर टॉप व्यू। और फ्रंट व्यू, अगर यूजर मेरा यहाँ पर है, ठीक है, यूजर इज स्टैंडिंग ओवर हेयर, जो पेन है सपोज मेरा यूजर है, और इसको मैं यहां से सामने से देखता हूं तो ये मेरा फ्रंट व्यू हो जाएगा। ओके, दिस पोर्शन, ये वाला जो मेरा पोर्शन है, ये फ्रंट व्यू हो गया अगर मैं इसको यहां से देख रहा हूँ। टॉप व्यू अगर ऊपर से देख रहा हूँ, और साइड व्यू सिमिलरली अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ तो ये मेरा साइड व्यू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक बार डायग्राम से दिखा देता हूँ। ओके गाइस, नाउ वी कैन सी, सपोज यही हमारा क्यूब है, ठीक है, सिंपल जो हमने देखा था, और ये हमारा प्रोजेक्शन प्लेन है। अब अगर यूजर ऊपर है, मतलब ऊपर से देख रहा है, ठीक है, हमारी आई ऊपर है, तो टॉप व्यू हमारा ऊपर वाला पोर्शन हो गया जो कि येलो कलर से कलर्ड है, दिस इज द टॉप व्यू। अगर हम सामने से देख रहे हैं तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है, ये हमारा हल्का सा ग्रेइश सा कलर जो है वो हमारा हो गया फ्रंट व्यू, ऊपर से देख रहे हैं टॉप व्यू। अगर साइड से आप देख रहे हो तो ये हमारा साइड व्यू हो जाएगा। ठीक है, तो वही इन्होंने एक बार कलर करके दिखा दिया अच्छे से बता के कि हाँ ये हमारा टॉप व्यू है, ये फ्रंट है और ये साइड व्यू हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, कि इसमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू होता है, जिसमें हम टॉप व्यू को टॉप व्यू बोलते हैं, साइड व्यू को साइड एलिवेशन और फ्रंट एलिवेशन भी बोल सकते हैं, इसको हम फ्रंट व्यू और फ्रंट एलिवेशन। ओके, सो गाइस, नाउ वी हैव डिस्कस प्रोजेक्शन का, पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है, ओब्लिक और ऑर्थोग्राफिक। नाउ लेट्स सी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है। ओके, सो गाइस, नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, हमने देखा कि इसमें डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसमें फाइनाइट होता है, ठीक है ना, डिस्टेंस। तो वही, अब इसकी एक बार डेफिनेशन सिंपल सा देख लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन to the projection plane is finite. Okay, the projectors are not parallel and we specify a center of projection. ठीक है, वही जो अभी हमने आपको डायग्राम दिखाया था. ओके, दिस इज द केस. सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन से हमारा ऑब्जेक्ट का या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्शन प्लेन है उसका डिस्टेंस फाइनाइट है. ठीक है, हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वही वो बोल रहा है कि सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन से जो हमारा प्रोजेक्शन प्लेन का डिस्टेंस होगा दैट विल बी फाइनाइट. ओके, एंड द प्रोजेक्टर्स आर नॉट पैरेलल एंड वी कैन स्पेसिफाई सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन. वही जो हमने पढ़ा. अब इसके तीन टाइप्स होते हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव. ओके, इसके आपके तीन टाइप्स होते हैं. सो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है, इसमें एक वैनिशिंग पॉइंट होता है. अब नाउ वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है मैं भी आपको आगे बताता हूँ. ठीक है, इसमें सिंपली होता है कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक वैनिशिंग पॉइंट होगा आपका, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमारे सिर्फ 2 वैनिशिंग पॉइंट बन पाएंगे और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमारे 3 वैनिशिंग पॉइंट बन पाएंगे. ठीक है, अब सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन और वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है, दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं. दे आर नॉट द सेम. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट. ठीक है, कि ये दोनों अलग अलग चीजें होती है. मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमारा वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है. ठीक है, उससे पहले कि ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पीआरपी और सीओपी एक ही बात है. पर्सपेक्टिव रेफरेंस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन भी बोलते हैं. अब एक टॉपिक क्या मतलब एक छोटा सा कंसेप्ट क्या होता है, पर्सपेक्टिव फॉर शॉर्टनिंग क्या होता है नाउ. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब जो हमारा साइज ऑफ द साइज ऑफ द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरीज इनवर्सली विद द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है, सिंपल सी बात है. अगर सपोज आपके पास एक फुटबॉल या कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप ले लेते हैं, तो अगर मैं उसको बिल्कुल अपने पास यहाँ पे रख के देखूं 1 मीटर दूर तो मेरे को बड़ा दिखेगा, और अगर मैं उसको 50 मीटर दूर देखूं या फुटबॉल ग्राउंड में देखूंगा इट विल अपेयर वेरी स्मॉल. ठीक है, बहुत छोटा दिखेगा. तो वही बात है कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे को छोटा दिखेगा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट दूर है, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत पास है तो हमारे को उसका साइज जो है बड़ा दिखेगा. ठीक है, इसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव फॉर शॉर्टनिंग. नाउ हमारा जो मेजर कंसेप्ट आता है वैनिशिंग पॉइंट. नाउ विल डिस्कस दैट. नाउ गाइस एक बार हम एक एग्जांपल देख लेते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का क्या होता है. ठीक है, अब सपोज करो हम एक रेलवे ट्रैक है. ठीक है, देयर इज अ रेलवे ट्रैक एंड हम यहाँ पे कहीं पे सपोज खड़े हैं, रेलवे ट्रैक पे जाकर के खड़े हो गए हैं, और सपोज बहुत दूर तक हमारे को ये रेलवे ट्रैक दिख रहा है, जिगजैग मैनर में जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमको लगता है कि दे आर कन्वर्जिंग. एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं होता है, मतलब वो जाता रहता है, बट एक पॉइंट ऐसा आता है हमें खड़े होकर बहुत दूर का दिखता है कि हाँ वो पॉइंट पे मर्ज कर रहे हैं. ठीक है, दोनों रेलवे ट्रैक्स जो है दे आर मर्जिंग, बट एक्चुअली वो मर्ज नहीं होते. या फिर आप सड़क पे किसी खड़े हैं, बहुत लंबा हाईवे या कुछ भी है, तो हमको दूर एंड एट द एंड क्या लगता है कि द रोड इज कन्वर्जिंग, या फिर जो हमारा रेलवे ट्रैक है वो कन्वर्ज हो रहा है. ठीक है, तो वो हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की वजह से होता है. बेसिकली वो मिलते नहीं है जाकर के, वो हमको जो पॉइंट दिखता है वो उसको हम एक्चुअली वैनिशिंग पॉइंट ही बोलते हैं. ठीक है, तो वो मिलता नहीं है एक्चुअल में. ओके गाइस, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया एक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का. ठीक है, सिंपल एक रेलवे ट्रैक है, हम उस पर खड़े होकर के देख रहे हैं, तो एट द एंड हमको लगता है कि वो कन्वर्ज हो रहा है. सो गाइस नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वैनिशिंग पॉइंट. ठीक है, इसमें क्या होता है पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं. द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस ऑफ एनी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस ओके दैट आर नॉट पैरेलल टू द प्रोजेक्शन प्लेन कन्वर्ज टू अ वैनिशिंग पॉइंट. ओके, नाउ आई नो ये डेफिनेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं कि हमारी लाइंस जो है वो पैरेलल भी हैं एंड एट द एंड वो कन्वर्ज भी कर रही हैं. ठीक है, और उसको हम वैनिशिंग पॉइंट बोल रहे हैं. नाउ इसका मतलब है क्या सीन, ये सीन है कि वी आर टॉकिंग ऑफ अ फाइनाइट पॉइंट विच इज कॉल्ड अ वैनिशिंग पॉइंट वेयर दीज पैरेलल लाइंस टेंड टू मीट और कन्वर्ज. ठीक है, मतलब एक्चुअल में मिल नहीं रहा है. ओके, सो गाइस हम ऐसे पॉइंट की बात कर रहे हैं जहां पर ये रेस जो हमारी पैरेलल हैं दे आर अपेयरिंग टू मीट, मतलब असलियत में नहीं मिल रही है, बट वी आर अज्यूमिंग कि वो एक पॉइंट पे जाकर के मिल रही है. दे आर अपेयरिंग टू मीट एट अ पॉइंट. ठीक है, उसको हम वैनिशिंग पॉइंट बोल रहे हैं. अब जैसे कि अभी हमने रेलवे ट्रैक वाले एग्जाम्पल की बात करी थी. ठीक है, रेलवे लाइन पे अगर हम खड़े हैं सपोज, तो हमको सबसे अगर जितना दूर तक हमको रेलवे ट्रैक दिखता है हमें लगता है कि एट द एंड वो मर्ज हो रहे हैं रेलवे ट्रैक्स, बट वी नो रेलवे ट्रैक्स हमेशा पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, तभी तो हमारा ट्रेन चल पाता है. तो इसीलिए वो पैरेलल होते हैं, दे कन्वर्ज टू मीट एट अ पॉइंट बट दे एक्चुअली डज नॉट कन्वर्ज. ओके, सो 2D में हमको लगता है कि कन्वर्ज हो रहा है. सो वैनिशिंग पॉइंट इज एक्चुअली एट इन्फिनिटी. ओके, असलियत में क्या है वो इन्फिनिटी पे है. क्यों? बिकॉज इट्स अ पॉइंट वेयर टू लाइन्स मीट, टू पैरेलल लाइन मीट एक्चुअली. सो बट द प्रोजेक्शन इज अ फाइनाइट पॉइंट. ओके गाइज, सो लेट मी रिपीट, वैनिशिंग पॉइंट इज एक्चुअली एट इन्फिनिटी because it's a point where two lines or we can say two parallel lines meet but the projection is a finite point. ठीक है, अब अगर मैं आपको ये डायग्राम के हिसाब से समझाऊं, सो गाइस इस डायग्राम में हमारे पास सिंपली एक ऑब्जेक्ट है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है. ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो रेज हैं, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा कि वैनिशिंग पॉइंट की जो हमारी रेज होती है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है, मतलब हमारी सपोज जो हमारी रेज है वो पैरेलल निकल रही है, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारा कहीं ये जो हमारे रेज मैंने आपको दिखाई है जो ऑब्जेक्ट से निकल रही हैं, ये जो मेरी रेज जा रही हैं दे आर एक्चुअली पैरेलल, ठीक है। बट हमारे को ये एक पॉइंट पे मतलब मिलती हुई दिखाई देती है, जैसे कि हम रेलवे ट्रैक पे खड़े हैं, मिलते हुए लगता है ना कि एट द एंड हमारा रेलवे ट्रैक मिल रहा है, तो उसी तरह हमारा ये जो लाइन्स है दे आर एक्चुअली पैरेलल बट दे अपेयर टू मीट एट अ पॉइंट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये जो हमारे प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं इससे और जो हमारे यहाँ पे मीट कर रहा है दिस इज पैरेलल टू दी जेड एक्सिस, ठीक है। ये हमारा जेड एक्सिस है और इसी के एक्सिस के पैरेलल हमारी रेज निकलेंगी, इस एक्सिस के पैरेलल हमारी रेज निकलेंगी एंड देल अपेयर टू मीट एट अ पॉइंट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द वैनिशिंग पॉइंट। और क्योंकि ये जेड एक्सिस के पैरेलल हैं गाइस, तो इसको हम बोलेंगे जेड एक्सिस वैनिशिंग पॉइंट। एंड एक्चुअल में क्या होता है, पैरेलल है टू जेड एक्सिस इन 3 डायमेंशन, ठीक है। 3D में हमारा एक्चुअल में क्या है, इस जेड एक्सिस के पैरेलल है ये रेज एंड दीज लाइन्स नेवर मीट इन 3D बट दे अपेयर टू मीट एट अ पॉइंट which is called as the vanishing point, ठीक है। I know guys थोड़ी सी definition थोड़ी सी क्या काफी confusing है, but I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से समझा दिया है अपने हिसाब से। तो अगर एक छोटा सा ब्रीफ अगर मैं आपको दूं कि वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है, अगर बिल्कुल शुरू से बताऊं तो वैनिशिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि जो हमारी पैरेलल प्रोजेक्टर्स निकल रहे होते हैं वो हमें लगता है कि ये किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है। और उस पॉइंट पे जिसपे हमें लगता है कि वो कन्वर्ज हो रहे हैं बट वो एक्चुअली में कन्वर्ज नहीं हो रहे होते हैं, उसको हम वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। एंड दैट इज पैरेलल टू सम एक्सिस, दैट इज फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में जेड एक्सिस के पैरेलल मेरी रेज निकल रही है इस ऑब्जेक्ट से, तो जेड एक्सिस के पैरेलल जो हमारी रेज निकल रही है वो मेरे को लगेगा कि किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है बट वो एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि वो पैरेलल रेज निकल रही है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द वैनिशिंग पॉइंट। अब क्योंकि ये जेड एक्सिस से पैरेलल हमारी रेज निकल रही थी तो और यहाँ पे हमारा वैनिशिंग पॉइंट आ रहा है, तो ये जेड एक्सिस वैनिशिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल हमारा सिंपली हो गया रेलवे लाइन, ठीक है। हम खड़े हैं वहां पे और सिंपल हम देख रहे हैं रेलवे लाइन एंड में कन्वर्ज हो रही है। ओके गाइस, नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। हमारा 1.2.3. पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि रेलवे ट्रैक वाला एग्जाम्पल। तो अगर हम सपोज यहाँ पे खड़े हुए अपना रोड पे, तो देखिए एंड में एट द एंड हमको लग रहा है कि ये मर्ज कर रहे हैं, ठीक है, एट अ पॉइंट, बट एक्चुअली में मर्ज नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया। अब नाउ गाइज व्हेन वी टॉक अबाउट 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, इसमें क्या होता है, ये सपोज मेरा एक सिंपली 3D का ऑब्जेक्ट है, 3D में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा एक्स वाई और जेड एक्सिस हो गया सिंपल। तो इस एक हमारा एक्सिस होगा, उसके पैरेलल हमारे जो रेज निकलेंगे और एक पॉइंट पे हम मतलब पैरेलल रेज निकलेंगे, पैरेलल होंगी रेज एंड दे विल अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट जो कि हमारा वैनिशिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में सिंपल क्या होगा कि सिर्फ हमारे को जो है ऑब्जेक्ट का ना एक ही वैनिशिंग पॉइंट मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होगा तो उसमें हमारे 2 वैनिशिंग पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमारा डायग्राम भी गिवन है, लेट मी जूम इट आउट अ लिटिल बिट। देखिए यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट है और इसके जो हमारे वैनिशिंग पॉइंट है 2 आ रहे हैं, ठीक है। एक एक्स डायरेक्शन में हमारे वैनिशिंग पॉइंट निकल रहा है, इसके रेज पैरेलल निकलेंगे तो यहाँ पे मीट कर रहे हैं, और एक जेड एक्सिस के पैरेलल यहाँ जो रेज निकलेंगे वो जेड एक्सिस के पैरेलल होंगे और दे विल मीट एट अ पॉइंट। तो ये हमारा ये वैनिशिंग पॉइंट 1 हो गया, ये वैनिशिंग पॉइंट 2 हो गया, ओके। अब सिमिलरली अगर हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो गाइस उसमें क्या होगा, सिंपली हमारी 3 एक्सिस हैं, इस एक जो हमारी रेज होंगी जेड एक्सिस के पैरेलल निकलेंगी और देल कन्वर्टेड अ पॉइंट VP3, और एक हमारी जो होंगी एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारी रेज निकलेंगी, इधर से जो ऑब्जेक्ट की रेज निकलेंगी देल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड देल मीट एट अ पॉइंट VP2। और यहाँ पे सिमिलरली वाई एक्सिस के जो हमारा पैरेलल यहाँ पे हमारा रेज निकलेगा ऑब्जेक्ट से और इट विल मीट एट अ पॉइंट VP1, ठीक है। तो VP1, VP2 और VP3 हमारे 3 वैनिशिंग पॉइंट हो गए हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इन 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑल दी 3 प्रिंसिपल एक्सेस हैव फाइनाइट वैनिशिंग पॉइंट्स, ठीक है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट प्रोजेक्शन, उसके टाइप्स पैरेलल पर्सपेक्टिव ऑब्लिक ऑर्थोग्राफिक एंड ऑल। अब हम इसका एक बार ब्रीफ में अगर मैं आपको बता दूं तो पैरेलल में क्या था, सिंपली हमारा जो ऑब्जेक्ट है उससे हमारा पैरेलल रेज जा रही है अगर हमारे प्रोजेक्शन प्लेन पे, तो हमारा पैरेलल हो गया। और पैरेलल के अंदर ऑब्लिक और ऑर्थोग्राफिक, अगर वो जो पैरेलल रेज हमारी जा रही है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है प्रोजेक्शन प्लेन के साथ, तो दिस इज कॉल्ड एज द ऑर्थोग्राफिक। और ऑब्लिक में क्या होता है, हमारी जो रेज है वो प्लेन पे लग जाएंगी लेकिन 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा, कम या फिर ज्यादा बन सकता है, तो वो ऑब्लिक हो गया। इसमें टॉप फ्रंट और साइड व्यू जो हमने क्यूब से समझा था, ठीक है। और फिर इसके बाद प्रोजेक्शन में पर्सपेक्टिव में 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट वही जो मैंने आपको बताया, इसमें 1 वैनिशिंग पॉइंट होगा, इसमें 2 और एक इसमें 3 वैनिशिंग पॉइंट होंगे, ठीक है। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई के चैनल को अगर नहीं हो तो। एंड टिल टाइम टेक केयर, बाय बाय। बाकी वीडियो जल्दी लेके आते हैं।